portions हैं physical Indian geography and economic Indian geography. Physical Indian geography की हमने शुरुआत कर दी थी और हमने उसमें ये सारे topics देखे थे geological history of India, physiography of India, Indian weather, seasons सारी हमने देख ली थी and climatic regions of India, natural vegetation देखी, surface resource, water resources, groundwater resources, right? ये सारे topics हमने देख लिए थे. लास्ट जो फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी में जो टॉपिक बचा वो है सॉइल्स ऑफ इंडिया. लेकिन सॉइल्स ऑफ इंडिया के साथ साथ मैं सॉइल से रिलेटेड जो फिजिकल ज्योग्राफी के जो पोर्शन है वो इसमें यहाँ पे इंक्लूड करूंगी. जैसे कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, सॉइल की प्रोफाइल किस तरह से बनती है, क्या क्या लेयर्स होते हैं उसमें. उसके अलावा सॉइल के कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स जैसे कि सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम और उसे कंजर्वेशन करने के लिए क्या किया जाता है, सॉइल की सैलिनिटी किस किस वजह से होती है और हम उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. उसके बाद हम देखेंगे इंडिया में कौन कौन सी या किस किस टाइप्स की सॉइल पाई जाती है. और उसके बाद लास्ट टॉपिक हम सॉइल से रिलेटेड देखेंगे वो है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. यानी कि इंडिया में जो लैंड है हमें कौन कौन से फील्ड में किस किस पर्पज से हमें उस लैंड को हम यूज करते हैं, राइट. तो ये सारे टॉपिक हम सॉइल के अंडर देखेंगे. इसमें से ये जो सारे टॉपिक्स हैं सॉइल इरोजन, सॉइल सैलिनिटी और सॉइल जो डेजर्टिफिकेशन, राइट, ये जनरली इतने साइज के टॉपिक है कि 10 मार्कर 5 मार्कर मेंस में आ सकता है, राइट. लेकिन प्रीलिम के लिए अगर मैं इस पोर्शंस को पढ़ूंगी तो उसमें हम ये देखना होगा कि सपोज प्रीलिम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि तीन या चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनमें से बताया गया, उनमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इस स्टेटमेंट में से या इन ऑप्शंस में से कौन सी वजह से सॉइल में इरोजन होता है या फिर उनमें से कौन सी टेक्निक है जिससे सॉइल कंजर्वेशन होता है, राइट. या फिर ऐसे चार स्टेटमेंट देखे ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी टेक्निक से सॉइल में सैलिनिटी बढ़ सकती है या फिर उसमें सॉइल को हम डेजर्टिफिकेशन रोक सकते हैं, राइट. तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स या कॉजेस या उनके सॉल्यूशंस इस तरह से हमें प्रीलिम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. अदरवाइज सॉइल इरोजन, सॉइल सैलिनिटी, डेजर्टिफिकेशन ये सारे टॉपिक्स मेन्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सॉइल्स ऑफ इंडिया प्रीलिम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. मेन्स ऐसे उसमें क्वेश्चन आने के लिए बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, राइट. लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया इसमें से कोई मेन से पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ सकता लेकिन हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है. सॉइल के फॉर्मेशन के लिए पांच फैक्टर्स जरूरी है. इसमें है रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, बायोटा एंड टाइम. कैसे ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल रॉक. रॉक यानी कि पेरेंट रॉक, जिस रॉक में से जिस रॉक का इरोजन होने की वजह से सॉइल बनती है, राइट. हमें पता है हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो ग्रेनाइट या फिर एंडेसाइटिक रॉक से बनी है, राइट. हमारा सरफेस पहले रॉकी सरफेस होता है, उस रॉकी सरफेस का ऊपर की साइड पे उसका अपर लेयर में धीरे धीरे उसका इरोजन होता है, राइट. फिर वो इरोजन होने की वजह से जो बड़े बड़े स्टोन होते हैं धीरे धीरे उनकी ग्रेन्यूल साइज कम होती जाती है, राइट. यानी कि बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स का स्टोन बनता है, कंकर बनता है, फिर छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स बनते हैं सैंड बनती है, राइट. और उसकी वजह से अपर लेयर में स्टोन के अपर लेयर में सॉइल फॉर्म होती है, राइट. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे पहले एक रॉक का लेयर है, ऊपर से इरोजन हो रहा है वाटर या फिर रेनफॉल का इरोजन हो रहा है, धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें से क्रैक्स बनाएंगे. क्रैक बनने की वजह से पानी क्रैक के बीच में जाकर अंदर तक जा पाएगा लेकिन ऊपर के लेयर में सबसे ज्यादा इरोजन होगा क्योंकि इरोजन की इफेक्ट सबसे ज्यादा सरफेस पर होगी. ज्यादा से ज्यादा इरोजन अपर लेयर में होगा, वहां पे रॉक्स छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में तब्दील होते जाएंगे, उनका इरोजन हो जाएगा. जैसे वो इरोजन एजेंट या पानी नीचे तक जा पाएगा वो भी नीचे धीरे धीरे इरोजन करना स्टार्ट करेगा. कुछ टाइम के बाद ये होगा कि ऊपर का लेयर पूरी तरह से इरोड हो जाएगा, वो स्टोन का पूरी तरह के सैंड या ग्रेवल या छोटे छोटे कंकर में उसका जो है कन्वर्जन हो चुका होगा. जैसे डेप्थ में जाएंगे उससे कंकर थोड़ी साइज बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी और फिर नीचे बेडरॉक आ जाएगा, राइट. तो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है. पेरेंट रॉक नीचे का जो रॉक होता है ऊपर से उसका धीरे धीरे इरोजन होता है और ऊपर का लेयर इस तरह से सैंड बनता है और सॉइल डेवलप होती है, राइट. यानी कि ये जो रॉक होता है उसी के इरोजन से सॉइल बनती है. इसीलिए ये जो पेरेंट रॉक जैसा भी उसकी क्वालिटी होती है वैसी क्वालिटी उसके ऊपर की सॉइल की बनती है, राइट. यानी कि वो जो पेरेंट रॉक होता है वो उस सॉइल को मिनरल्स, उसका टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सब कुछ उसे उसके पेरेंट रॉक से मिलता है. अगर नीचे का पेरेंट रॉक सॉफ्ट रॉक है तो वो बनने वाली सॉइल ज्यादा फाइन ग्रेन होगी, उसकी वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी.
या हार्ड रॉक होगी तो उसकी सॉइल ज्यादा क्वार्ट्स ग्रेन होगी, राइट, रफ ग्रेन होगी। तो इसीलिए पेरेंट रॉक जैसा होता है उसी की इरोजन से ऊपर से सॉइल बनती है, इसलिए पेरेंट रॉक सॉइल को सारी अपनी प्रॉपर्टीज देता है। उसके बाद हमने देखा कि किसी रॉक की ही इरोजन होने की वजह से अपर लेयर में सॉइल बनती है, लेकिन उसके वो इरोजन होने के लिए इरोजन होना जरूरी है। इरोजन होने के लिए अलग अलग एजेंट्स होते हैं और वो एजेंट उस एरिया के क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, राइट। जिस तरीके का क्लाइमेट हो उसी तरीके का वहां पे टेम्परेचर होगा, रेनफॉल होगा। अगर ड्राई रीजन है तो वहां पे विंड इरोजन ज्यादा एक्टिव होता है, लाइक डेजर्टिक कंडीशन, राइट। विंड इरोजन से वहां पे ज्यादा इरोजन होता है। अगर वो वेट रीजन है तो वाटर, वहां पे इरोजन एजेंट ज्यादा डोमिनेंट होगा। अगर कोल्ड रीजन है तो ग्लेशियर वहां पे डोमिनेंट एजेंट होगा इरोजन का। तो इसीलिए रॉक का इरोजन होता है तो सॉइल बनती है, लेकिन उस पे किस तरह का इरोजन होगा, किस लेवल या किस इंटेंसिटी का इरोजन होगा, वो उसका उस एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करेगा। तो सॉइल फॉर्मिंग इस पूरे प्रोसेस में इस तरह से क्लाइमेट का भी रोल है। उसके बाद है रिलीफ। रिलीफ दो तरीके से सॉइल फॉर्मेशन में जो है इन्वॉल्व रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी एरिया में अगर ये पूरा रॉक, अगर रॉक का इरोजन ही होना है, उसे सॉइल बननी है, तो रॉक अगर फ्लैट रीजन पे लोकेटेड है तो उस पे जो सॉइल डेवलप होगी। अगर कोई रॉक स्टीप ग्रेडियंट पे, किसी माउंटेन की या प्लेटू के ग्रेडियंट पे अगर रॉक लोकेटेड है और उसका इरोजन होगा, राइट, तो इस स्टीप ग्रेडियंट पे अगर रॉक लोकेटेड है उसका इरोजन होगा, तो जो भी उसे डिसइंटीग्रेट हुए रॉक्स या छोटी सी सैंड ग्रेवल्स, वो सभी सारी नीचे गिर जाएगी, वहां पे स्टीप ग्रेडियंट पे रुक नहीं पाएगी, राइट। तो इस तरह से जो ग्रेडियंट या स्लोप, ज्यादा स्टीप स्लोप पे अगर कोई रॉक है उसका इरोजन हो रहा है, तो वो सॉइल बहुत ही वीक या बहुत ही थीन लेयर में डेवलप, राइट। इसलिए माउंटेनियस रीजन में इस तरह की फर्टाइल या फुल डेवलप सॉइल डेवलप नहीं हो पाती, लेकिन वही सॉइल अगर फ्लैट प्लेन रीजन में डेवलप है तो पूरी अच्छे तरीके से उसका इरोजन हो पाएगा, वहीं पे इरोजन होगा, वहीं पे उसका डिपोजिशन होगा, तो एक बड़ा सा लेयर सॉइल का वहां पे डेवलप हो पाएगा। उसके साथ साथ अगर सॉइल का इरोजन होता है, राइट, हमने कहा इरोजन के अलग अलग एजेंट उसके क्लाइमेट डिसाइड करता है, तो इसी तरह से किसी भी एरिया की रिलीफ यानी उसकी हाइट भी उस एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करती है, राइट। नीचे अगर बेस एरिया में, किसी माउंटेन के बेस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा, हाइट जैसे बढ़ती जाएगी मॉइस्चर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि क्लाइमेट का भी इम्पोर्टेंट रोल है सॉइल फॉर्मेशन में, तो इसी तरह से जैसे भी हाइट भी चेंज होगी उस एरिया का क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा, और इसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन भी अलग अलग टाइप की बन जाएगी। तो इसी वजह से रिलीफ भी सॉइल फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो हाइट, अलग अलग हाइट पर अलग अलग टाइप की सॉइल, और स्लोप, डिफरेंट स्लोप पे अलग अलग तरह की सॉइल बन सकती है। उसके अलावा है बायोटा। सबसे पहले मैंने कहा कि अगर किसी पेरेंट रॉक का ऊपर से इरोजन होता है तो सॉइल बनती है, राइट। यानी कि हमें मेनली किसी पेरेंट रॉक का, किसी रॉक का इरोजन करना है और उसके बड़े बड़े स्टोन के पार्टिकल्स को हमें छोटे छोटे ग्रैनुल्स में कन्वर्ट करना है, तो वो करते हैं इरोजन एजेंट्स, विंड होते हैं या वाटर या ग्लेशियर्स। लेकिन उसके अलावा भी एक और एजेंट है जो इस तरह के क्या इरोजन करता है, और वो है बायोटा। बायोटा यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। सॉइल के अंदर होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियास, वो भी इस तरह से अपने लेवल पे छोटे छोटे जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उन्हें और माइक्रो लेवल पे वो डिसइंटीग्रेट करते हैं और सॉइल को और भी ज्यादा फाइन बनाते हैं। इसके अलावा सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म्स होते हैं, राइट, जिसे हम गुजराती मर्शिया कहते हैं, तो वो भी अंदर सॉइल के अंदर अपने तरीके से सॉइल को और डिसइंटीग्रेट करते हैं, उनका और इरोजन करते हैं। साथ में ट्रीज या ग्रासेस के रूट्स, ट्री और ग्रासेस के या कोई भी प्लांट के रूट भी अगर किसी सॉइल के बड़े स्टोन के अराउंड अगर वो होते हैं, तो वो रॉक को वो रूट्स पकड़ के उन्हें क्रश कर देते हैं, राइट, उन्हें इरोड कर देते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट प्लांट्स के भी रूट्स इस तरह के इरोजन एजेंट का काम करते हैं, और वो भी इस तरीके के रॉक को और भी फाइन ग्रेन में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए बायोटा भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में। उसके बाद है टाइम। टाइम एक इनडायरेक्ट या पैसिव फैक्टर, राइट, उसका कोई डायरेक्ट कोई रोल नहीं है सॉइल फॉर्मेशन, लेकिन ये जो सारी इरोजन प्रोसेस मैंने बताई, पेरेंट रॉक में से विंड इरोजन हो रहा है, वाटर का इरोजन हो रहा है, ग्लेशियर इरोजन कर रहा है, या फिर इस तरीके के बायोटा के रूट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अर्थवर्म्स, कोई भी उसको इरोजन कर रहा है, तो उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पूरे प्रोसेस के लिए टाइम, राइट, क्योंकि ये सारी इरोजन की प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, राइट। तो ये जो टाइम होता है वो डिसाइड करता है कि इस सॉइल की या किसी भी सॉइल की
फर्टिलिटी या मेच्योरिटी लेवल कितना है। अगर इरोजन होने के इनिशियल फेज में ही अगर मैं वो सॉइल को देखूं तो वो इमेच्योर होगी, अच्छे से डेवलप नहीं की होगी। लेकिन उस इरोजन को अगर फुल टाइम या ज्यादा टाइम दिया जाए तो वही सॉइल राइट उस इरोजन के अंडर में रह के ज्यादा फुल्ली डेवलप हो सकती है। तो ये टाइम डिसाइड करता है कि उस सॉइल की मेच्योरिटी क्या है राइट। तो ये सारे फैक्टर्स थे सॉइल से रिलेटेड, कैसे सॉइल फॉर्म होती है, पेरेंट रॉक का ही अपर लेयर में डिसइंटीग्रेशन होता है और फिर सॉइल डेवलप होती है। सॉइल के अंदर कुछ प्रोसेसेस होती हैं, ऐसे प्रोसेस को हम उसमें से एक जो प्रोसेस है उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स मूवमेंट करते हैं उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ऐसी दो तरीके की ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट सॉइल में होती है, एक है कैपिलारी मूवमेंट और दूसरे लीचिंग मूवमेंट। कैपिलारी मूवमेंट में मिनरल्स नीचे के लेयर में से ऊपर के टॉप लेयर में मूवमेंट करते हैं, यानी नीचे से ऊपर की जो मूवमेंट है ट्रांसपोर्टेशन की उसे कैपिलारी मूवमेंट कहते हैं। और दूसरे लीचिंग मूवमेंट यानी कि मिनरल्स टॉप सॉइल में से नीचे के लेयर में मूवमेंट करें, डाउनवर्ड मूवमेंट, तो उसको कहेंगे हम लीचिंग मूवमेंट राइट। कैपिलारी मूवमेंट जनरली होती है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में, कैपिलारी एक्शन से मिनरल्स ऊपर आते हैं। ह्यूमिड क्लाइमेट में मिनरल्स नीचे जाते हैं, यानी कि ज्यादा रेनफॉल की सिचुएशन हो, ज्यादा मॉइस्चर की सिचुएशन हो, तो रेनफॉल जैसे पानी परकुलेट नीचे होता है उनके साथ साथ वो मिनरल्स भी नीचे के लेयर में मूवमेंट करते हैं। तो ये थी दो प्रोसेसेस, कैपिलारी और लीचिंग। लीचिंग के दो टाइप्स हैं, क्योंकि लीचिंग ह्यूमिड कंडीशन में होती है तो दो तरह की हो सकती है, एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में अलग तरीके की और एक कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड दोनों ही है, इसमें टेम्परेचर हॉट ह्यूमिड में ज्यादा है, कोल्ड में कम है। हॉट ह्यूमिड में अगर इस तरीके की लीचिंग प्रोसेस हो रही है, यानी कि मिनरल्स नीचे डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो वो सॉइल बनेगी लेटर सॉइल, जिसे हम लेटराइटिक सॉइल भी कहते हैं। और कोल्ड ह्यूमिड कंडीशन में जो मिनरल्स नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं तो उसकी वजह से जो सॉइल डेवलप हो उसे पॉडजोल कहते हैं या फिर पॉडजोलिक सॉइल कहते हैं राइट। तो इस तरीके के से केमिकल प्रोसेसेस जो सॉइल में हो रही है उसमें मैं तीन तरीके की सॉइल प्रोसेसेस में कह सकती हूँ। कैपिलारी, जिसमें मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट है, लीचिंग, मिनरल्स का डाउनवर्ड मूवमेंट है, और ग्लेइंग, ग्लेइंग में कोई मूवमेंट नहीं है सॉइल के मिनरल्स की, लेकिन वहां पे एक्यूमुलेटेड रहते हैं मिनरल्स कुछ अलग कंडीशन में, तो उसको हम ग्लेइंग कहेंगे राइट। ये तीन प्रोसेस को हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज द कैपिलारी। कैपिलारी जैसे मैंने बताया हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में कैपिलारी मूवमेंट से मिनरल्स अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। जनरली क्या होता है कि सॉइल के नीचे जो भी वाटर टेबल होता है राइट, अगर इस सॉइल के ऊपर वेजिटेशन को मैं जो है वो पूरा क्लियर कर दूं और जब ड्राई सीजन आएगी तो उसकी वजह से ये जो वाटर टेबल का पानी है वो कैपिलारी एक्शन की वजह से ऊपर के टॉप लेयर तक पानी यहाँ पर आ जाएगा। और जब ये ड्राई सीजन होगी तो इवापोरेशन बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा और टॉप लेयर में से वो इवापोरेशन ज्यादा होने शुरुआत करेगा। और जब इवापोरेशन होगा तो जो टॉप लेयर में ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आए हुए हैं उनमें से पानी का इवापोरेशन हो जाएगा और सिर्फ सॉल्ट इस टॉप लेयर में रह जाएगा राइट। तो इसकी वजह से कैपिलरी एक्शन की वजह से सॉइल की सैलिनिटी बढ़ने के हमेशा चांसेस रहते हैं राइट। कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर आएगा, पानी का इवापोरेशन हो जाएगा और टॉप लेयर में सिर्फ सॉल्ट या मिनरल्स रह जाएंगे, तो इसलिए टॉप लेयर में पूरा सलाइन हो जाएगा या फिर सॉल्ट रह जाएंगे, तो सॉइल सैलिनिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके बाद लीचिंग की प्रोसेस। लीचिंग की प्रोसेस अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में हो रही है, बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल वहां पे हो रहा है, तो वहां पे ये होगा कि टॉप लेयर में जो सिलिका होती है उसकी लीचिंग हो जाएगी, यानी वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी और नीचे के लेयर में आ जाएगी, लेकिन ऊपर के लेयर में आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो वहीं पे रह जाए, उसका कॉन्सेंट्रेशन रह जाए राइट। तो इसकी वजह से उसके टॉप लेयर में आयरन और एल्यूमिनियम एक्सेसिव अमाउंट में होती है और इसीलिए ये जो सारी जो सॉइल होती है वो रेड कलर की दिखती है, एसिडिक होती है बिकॉज ऑफ आयरन राइट। तो ऐसी सॉइल को हम कहते हैं लेटराइटिक सॉइल। अगर लीचिंग प्रोसेस हो रही है कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में तो वहां पे उससे उल्टा होता है, जैसे लेटराइटिक सॉइल में तो यहाँ पे आयरन और एल्यूमिनियम का लीचिंग होता है, वो डाउनवर्ड मूवमेंट करती है और अपर लेयर में सिलिका रह जाती है, और सिलिका ज्यादा रहने की वजह से टॉप लेयर जो होता है वो ग्रे कलर का नजर आता है राइट। और ऐसी सॉइल को पॉडजोलिक सॉइल कहते हैं, जनरली टेम्परेट रीजन में ये पाई जाती है। पॉडजोलिक सॉइल दोनों ही लेटराइटिक एंड पॉडजोलिक दोनों ही बहुत ही लो फर्टाइल सॉइल्स होती है, बहुत ही लिमिटेड वहां पे एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन फॉरेस्ट अच्छे से वहां पे डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट या बड़े बड़े ट्रीज को डेवलप होने के लिए उनके रूट्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही डेप्थ तक जा सकते हैं राइट। तो फॉरेस्ट या इतने बड़े ट्रीज ऐसी लो फर्टाइल जो सॉइल है उसमें भी डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद एक ग्लेइंग।
ग्लेइंग की प्रोसेस या ग्लेइंग की टाइप की सॉइल जो है वो तराई रीजन यानी वाटर लॉग स्वैम्पी रीजन जो होता है मैंग्रोव रीजन, तो वहां पे जहाँ पे हमेशा टॉप लेयर के ऊपर पानी जमा रहता है वहां पे इस तरह की ग्लेइंग प्रोसेस होती है, राइट। ये ब्लूइश कलर की नजर आती है बिकॉज उसमें होता है पोटेशियम, उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोटेशियम उसके टॉप लेयर में हो जाते हैं, इसलिए ये ग्लेइंग की प्रोसेस की वजह से जो तराई रीजन इसकी वाटर लॉक कंडीशन की सॉइल होती है वो ब्लू कलर की नजर आती है। तो हमने सॉइल की फॉर्मेशन देख ली किस तरीके से होती है और क्या क्या प्रोसेसेस होती है उसमें, राइट। अब हम चलते हैं कि सॉइल की प्रोफाइल यानी सॉइल की लेयरिंग कैसे होती है। सॉइल हमने अभी देखा कि पेरेंट रॉक का धीरे धीरे इरोजन होने के बाद इस तरीके की सबसे टॉप लेयर में अगर जाए सबसे फाइन ग्रेन होती है, राइट। तो इसकी वजह से अलग अलग लेयर क्योंकि डिफरेंशियल इरोजन हो रहा है टॉप से लेकर बॉटम तक, तो उसकी वजह से सॉइल के अंदर डिफरेंट लेयर्स बनते हैं जिससे सॉइल के होराइजन या सॉइल की प्रोफाइल कहते हैं। हर एक लेयर की अपनी खुद की एक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है, राइट। सारे हम लेयर्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। वो जो फर्स्ट लेयर है उसे वहां पे सिर्फ ऑर्गेनिक डस्ट लीव्स या सिर्फ ह्यूमस इस तरीके के लीटर यहाँ पे सिर्फ जमा रहते हैं। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट लेयर है ए, ये टॉप लेयर है हमारा, वहां पे सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स सॉइल के वहां पे जमा होते हैं। जो प्लांट लाइफ होती है कोई भी एग्रीकल्चर कोई भी क्रॉप्स है उसको सपोर्ट करने के लिए ए लेयर का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ई, ए और बी के बीच का ट्रांजिशन जोन है। बी एक सबसॉइल है, वो ए की तरह इतनी फर्टाइल नहीं होती, फाइन ग्रेन नहीं होती, राइट। लेकिन कंपैरेटिवली सी और ए के कंपैरेटिवली वहां पे जो ग्रेन्स होते हैं उसका ग्रेन्यूल्स होते हैं वो काफी फाइन ग्रेन्स होते हैं, राइट, कंपेयर टू सी। उसके बाद सी जो वेदर्ड रॉक है पेरेंट रॉक का जो वेदर्ड कंडीशन में जो बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स में जो डिविजन हो चुका है वो सी लेयर यहाँ पे पाया जाएगा, राइट। सी तो पेरेंट रॉक है जिस रॉक के इरोजन की वजह से पूरी सॉइल डेवलप हुई है। सॉइल के जो ये ओ लेयर और आर लेयर है वो दोनों फंक्शनली कोई यूज में नहीं आते, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ लीटर या लीव्स एक्युमुलेट होते हैं और आर यानी पेरेंट रॉक उसका कोई यूज नहीं। जो यूज है सबसे ज्यादा वो है ए लेयर का क्योंकि वही प्लांट की लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि ए लेयर उस सॉइल में से वाइप आउट हो गया, तो वो सॉइल इरोजन कहलाते हैं क्योंकि उस टाइम उस समय में वो सॉइल प्लांट को जो है सपोर्ट नहीं कर पाएगी। अगर बहुत ही ज्यादा सॉइल का इरोजन होता है जैसे चंबल वेटलैंड्स हमने देखे थे, राइट, गली इरोजन या सीट इरोजन जिसे कहते हैं, ऐसी कंडीशन में ए ई और बी तीनों लेयर उस सॉइल में से वाइप आउट हो जाते हैं, राइट, तो फिर वो सॉइल किसी काम की नहीं रहती, एटलीस्ट प्लांटेशन या फिर एग्रीकल्चर के लिए काम की नहीं रहती, राइट। तो उस लेयर में ए और बी ए ई और बी तीनों लूज हो जाएंगे। तो कैपिलरी एक्शन में मैंने लीचिंग एक्शन में मैंने कहा कि मिनरल्स जो है वो लीच होते हैं या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, तो उस टाइम में ए लेयर की लीचिंग होती है और बी लेयर एनरिच होता है। अगर लैटरेटिक सॉइल है तो उसके ए लेयर में आयरन और एल्यूमिनियम मिलेंगे, उसके बी लेयर में सिलिका मिलेगी। लेकिन पॉडजोल में अगर हम देखें तो ए लेयर में सिलिका मिलेगी, बी लेयर में उसमें आयरन और एल्यूमिनियम मिलेंगे। कैपिलरी एक्शन में ए लेयर एनरिच होता है क्योंकि मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट होता है, उसके टॉप लेयर में कैल्शियम सोडियम पोटेशियम इस तरीके के सॉल्ट्स की एक्युमुलेशन होती है। तो सॉइल की फॉर्मेशन हो गई, सॉइल के प्रोफाइल, ये सारे फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक थे। अब हम जो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे देयर इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, सॉइल इरोजन और उसका कंजर्वेशन। तो जैसे मैंने बताया कि सॉइल इरोजन होना यानी उसके जो टॉप ए लेयर है जो सबसे फर्टाइल है जो जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है वो लेयर, अगर ये ए लेयर अगर उसका जो है लॉस हो जाएगा तो सॉइल इरोजन कहलाता है, राइट। इंडिया की 70% लैंड जो है वो ड्राई लैंड है और जो ड्राई लैंड होती है उसकी इरोजन होने की वल्नरेबिलिटी या उसकी चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि जहां पे लैंड ड्राई होती है उसे लैंड अबंडिंग उसमें ज्यादा होता है, राइट, क्योंकि जैसे ड्राई कंडीशन आएगी फार्मर्स अगर पानी नहीं है उसे कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, उसे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, तो वहां पे इरोजन के सारे एजेंट काम करेंगे और धीरे धीरे उसका टॉप लेयर इरोड होता जाएगा, वेदर्ड होता जाएगा और टॉप लेयर जो है वो लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके के ड्राई लैंड जो है उसको हमें ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करना है, राइट। ऐसी कंडीशन में ड्रॉट फ्लड ऐसी सिचुएशन भी बहुत आती रहती है। फ्लड आने से भी सॉइल का इरोजन होता है क्योंकि सिल्टेशन होता है या फिर जो पानी का फोर्स आता है वो भी टॉप लेयर को घसीट के ले जाता है, तो फ्लड कंडीशन में भी सॉइल इरोजन के चांसेस रहते हैं। क्या क्या रीजन है सॉइल के इरोजन के, ह्यूमन इंड्यूस रीजन या एंथ्रोपोजेनिक रीजन क्या है जिसके लिए इंसान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के, तो फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन,
राइट। अगर स्लोपी रीजन में डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सॉइल का इरोशन होगा, क्योंकि जब ही सॉइल जो है इस तरह से ओपन हो जाती है, कोई वेजिटेशन नहीं होता, फिर विंड इरोशन या रेनफॉल से या रिवर से सभी इरोशन एजेंट एक्टिवली काम करेंगे और सॉइल को इरोड करते जाएंगे, उसका टॉप लेयर जो है वो लॉस हो जाएगा। सेकेंड इज सैंड माइनिंग। लास्ट ही लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके की रिवर बेसिन में सैंड माइनिंग होती है, ज्यादातर इलीगल सैंड माइनिंग होती है, तो इसकी वजह से भी जो सॉइल का टॉप लेयर है उसकी माइनिंग होने की वजह से वो लेयर भी टॉप लेयर लॉस हो जाता है और सॉइल का इरोशन होता है। उसके साथ ब्रिक मेकिंग। ब्रिक मेकिंग यानी कि ब्रिक्स बनाना, सॉइल के अपर लेयर में से जो ब्रिक्स बनाई जाती है उसकी वजह से भी पूरा टॉप सॉइल का लेयर लॉस हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग यानी कि पेस्चर लैंड होते हैं वहां पे अगर एनिमल को ओवर ग्रेजिंग कराई जाए राइट, उसके सस्टेनेबल लेवल से ज्यादा, तो फिर ग्रास का जो कवर है वो पूरा ही लॉस हो जाएगा, उससे भी सॉइल जो है पूरी एक्सपोज हो जाएगी राइट, और फिर इरोजन होगा उसका। फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कुछ इस तरह के की रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है जिसकी वजह से भी सॉइल का इरोजन होता है, जैसे कि क्रॉप का रोटेशन ना करना। क्रॉप, हर एक जो क्रॉप होते हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से एक्सट्रैक्ट करते हैं राइट। ग्रेन क्रॉप्स होते हैं व्हीट राइस, वो ज्यादा नाइट्रोजन का एक्सट्रैक्शन करते हैं सॉइल में से। पल्सेस होते हैं वो नाइट्रोजन देते हैं सॉइल में राइट। तो अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से लेते हैं। अगर एक ही तरीके का क्रॉप मैं पूरे साल एक ही फार्म में अगर मैं मल्टीपल टाइम्स लेती रहूंगी तो कुछ टाइम के बाद उस सॉइल में से वो न्यूट्रिएंट जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा राइट। तो इसके लिए क्रॉप रोटेशन करना जरूरी है ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो उसका कंजर्वेशन हो, वो मेंटेन हो सके। उसके बाद प्लॉइंग अलॉन्ग द स्लोप्स, यानी स्लोपी रीजन में अगर मैं कल्टीवेशन करूंगी, प्लॉइंग करूंगी, प्लॉइंग करने की वजह से क्या होता है कि सॉइल जो है उसका अपर लेयर वो स्मूथ या सॉफ्ट हो जाता है, एरेशन बढ़ता है, इसके लिए प्लॉइंग की जाती है। लेकिन स्लोपी रीजन में अगर मैं प्लॉइंग करूंगी तो वो जो लूज सॉइल हो जाएगी उसका इरोजन हो जाएगा राइट। वाटर रेनफॉल की वजह से या विंड की इरोजन की वजह से टॉप सॉइल धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, इरोजन हो जाएगा, तो इसकी वजह से स्लोपी रीजन में इस तरीके की प्लॉइंग नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे किस तरीके के ये सारे कॉजेस थे या रीजन थे कि किस तरह से की वजह से या कौन सी वजह से सॉइल इरोशन होता है, इसकी इफेक्ट क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप सॉइल चला जाएगी और इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी, वो वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर का लेवल भी नीचे चला जाएगा। ये टॉप सॉइल चली जाएगी, प्लांट सारे चले जाएंगे, तो जो ट्री के रूट्स होते हैं राइट, जो उसको पानी ग्राउंड वाटर को नीचे ज्यादा परकोलेट करते हैं, प्लस जो टॉप सॉइल चली जाती है तो पानी का परकोलेशन नीचे बहुत ही कम हो जाता है और इसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी धीरे धीरे नीचे चला जाता है। साथ साथ सारे नेचुरल वेजिटेशन ड्राई अप हो जाएंगे, जैसे ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल नीचे जाएगा, ट्री के रूट्स तक पानी नहीं पहुंच पाएगा और पूरा जो सरफेस में प्लांटेशन है वो सारा ड्राई हो जाएगा। जैसे ही सारे वेजिटेशन अगर वहां से सरफेस से चले गए तो सिल्टेशन बढ़ जाएगा, यानी कि जब भी बारिश होगी सारा सॉइल का इरोजन करके सिल्ट रिवर बेसिन में कैनाल्स में इकट्ठा होता रहेगा राइट। और इसकी वजह से रिवर के बेसिन शैलो होते जाएंगे या कैनाल के भी बेसिन शैलो होते जाएंगे और फिर आ सकते हैं फ्लड की सिचुएशंस राइट। ओवरफ्लो होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, इवन ड्रॉट की सिचुएशन भी बढ़ेगी क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल जो है नीचे जा रहा है, वेजिटेशन कम हो रही है, तो ड्रॉट की सिचुएशन भी ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगी। उसके साथ लैंडस्लाइड की इवेंट्स भी बढ़ जाएगी क्योंकि लैंडस्लाइड होना यानी कि जो हिमालयन टाइप के रीजन होते हैं जहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट होते हैं हिल्स के, तो वहां पे अगर बारिश होती है तो वहां पे सॉइल अगर लूज है तो उसकी वजह से वो पूरी गिर जाएगी, जिसे हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं राइट। अगर उस ग्रेडियंट में, उस स्लोप रीजन में अगर ट्रीज है, प्लांट्स है, कोई भी ग्रासेस है तो वो सॉइल को पकड़ के रखेंगे, लेकिन उसको अगर हम पूरा क्लियर कर दिया तो लैंडस्लाइड के इवेंट्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये सारे इम्प्लीकेशन है, रिजल्ट है बिकॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। तो उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम रोक सकते हैं सॉइल का इरोजन, इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन कहूंगी यानी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, यानी ऐसे सॉल्यूशन की जो इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ यूज करके किए जाए। दूसरे नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन यानी जो इन्वायरमेंटल बेस होता है राइट, सस्टेनेबल बेस होता है, तो वैसे सॉल्यूशंस को मैं नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस कहूंगी। सबसे पहले स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए। स्लोप जहां पे भी है वहां पे मैं रिटेनिंग वॉल्स का कंस्ट्रक्शन कर दूं, यानी वॉल्स इस तरीके के स्लोप पे बनाई जाए ताकि जो वहां पे स्लोपी रीजन में सॉइल है उसका इरोजन ना हो पाए राइट। रिवर बैंक्स के अराउंड भी इस तरीके की वॉल्स बनाई जा सकती है उसके बैंक्स पे राइट। स्नो स्टोन पिचिंग या वायर नेटिंग की जाती है।
स्टोन पिचिंग यानी उसके स्लोप पे इस तरह के स्टोन जो है लगा दिए जाते हैं ताकि सॉइल यहाँ से नीचे आ पाए या फिर उसका इरोजन ना हो पाए। वायर नेटिंग में इस तरीके की नेट सारे स्लोपी रीजन में लगा दी जाती है तो इसकी वजह से भी जो भी ग्रावेल स्टोन है किसी का भी नीचे गिरे नहीं, उसका इरोजन ना हो। तो ये सारी स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन है। इसके अलावा कोस्टल रीजन में जो ट्राइपॉड्स और टेट्रापॉड्स लगाए जाते हैं, ये मरीन लाइन से बॉम्बे कर वहां पे इस तरह के टेट्रापॉड्स रखे गए हैं। ये टेट्रापॉड रखने की वजह यह है कि यहाँ से जो वेव्स आते हैं वो वेव एक्शन करके पूरे बीच को डिस्ट्रॉय ना कर दे, राइट। ये उनके इरोजन को बचाने के लिए यहाँ पे रखे जाते हैं। उसके अलावा ग्रॉइंस भी बीचेस पे लगाई जाती है। अगर रिवर्स है तो वहां पे सॉइल के कंजर्वेशन के लिए मल्टीपर्पज डैम्स क्रिएट किए जाते हैं। टेट्रापॉड्स इसे कहते हैं और ग्रॉइंस इस तरह की होती है। कोस्टल एरिया में वर्टिकल लाइन इस तरह की जो है बनाई जाती है ताकि जो वेव की एक्शन होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डिवाइड हो जाती है। वेव एक्शन इतनी पावरफुली कोस्टल एरिया पे लग नहीं सकती और पहले ये एरिया में ज्यादा इरोजन होगा और कोस्टल एरिया वो जो है वो इंटैक्ट रहेगा। तो इस तरीके के टेट्रापॉड्स या ट्राइपॉड्स रखे जाते हैं या फिर इस तरीके के ग्रॉइंस कोस्टल एरिया पे रखे जाते हैं ताकि कोस्टल एरिया का इरोजन ना हो। नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन यानी सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एफॉरेस्टेशन का, स्लोप रीजन में या रिवर के बैंक्स में फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होगा, ट्रीज होंगे तो उनको जो उसके रूट्स हैं वो सॉइल को पकड़ के रखेंगे, सॉइल का इरोजन कम होगा। प्लस ट्रीज जो है उसके बहुत ज्यादा और भी बेनिफिट्स रहते हैं, उनके रूट्स ज्यादा ग्राउंड वाटर के टेबल को भी बढ़ाएंगे, राइट। हमें मार्जिनल लैंड्स होते हैं वहां पे कल्टीवेशन कम करना चाहिए, मार्जिनल लैंड्स यानी कम फर्टाइल लैंड। कम फर्टाइल लैंड में भी अगर मैं एग्रीकल्चर या इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना कंटिन्यू रखूंगी तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स जो भी वैसे भी कम है वो बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर वो जो सॉइल है वो काम की नहीं रहेगी। तो ऐसी सॉइल जो है उसे हम अबैंडन करना चाहिए, उसे एग्रीकल्चर के अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज करना चाहिए, एग्रोफॉरेस्ट्री करनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में देखा था एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट डेवलपमेंट करना चाहिए, एग्रीकल्चर फील्ड के सराउंडिंग एरिया में फॉरेस्ट जो है या ट्रीज प्लांटेशन कर सकता है। उसके अलावा स्लोपी रीजन में टेरेस फार्मिंग की जाती है, इस तरीके की टेरेसेस बनाए जाते हैं और यहाँ पे फार्मिंग की जाती है। इसकी वजह से पानी रेनफॉल सीजन में जब भी आता है सीधा नीचे नहीं चला जाता, टेरेसेस को होके गुजर के निकलता है, राइट। इसलिए सॉइल की जो है इरोशन कम होता है, प्लस यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है तो सॉइल जो है वो प्रोडक्टिव भी बनती है। कॉन्टोर बेंडिंग और बेसिन लिस्टिंग भी की जाती है। कॉन्टोर बेंडिंग भी होता है कि जो टेरेसेस बनते हैं उसके जो एजेस है वहां पे बैरियर बनाए जाते हैं ताकि पानी बहुत ही जल्दी नीचे गिर ना पाए, और जितना क्योंकि फास्ट जितना पानी गिरा उतनी ज्यादा वो इरोशन होगा, लेकिन यहाँ पानी के फोर्स को कम कर दिया जाता है। इसलिए एजेस पे यहाँ पे अगर बैरियर बनाते हैं तो उसे काउंटर बेंडिंग कहते हैं। बेसिन लिस्टिंग में सॉइल का जो भी एरिया का जो स्लोप होता है उसमें थोड़े थोड़े एरिया में खड्डे किए जाते हैं ताकि पानी ऐसे खड्डे में से गुजरता और निकलता है उसका फोर्स कम हो जाता है। तो ऐसी टेक्निक को बेसिन जो है बेसिन लिस्टिंग कहते हैं। तो ये सारे नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन है किस तरीके के हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, उसका इरोशन जो है वो हम उसको लिमिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक टेक्निक हमने देखी थी सॉइल मल्चिंग की टेक्निक, राइट। सॉइल को किस तरीके से हम उसके मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं, उसे हमेशा किसी ग्रासेस या वेजिटेबल जो वेस्ट होता है उसे कवर रखा जाए। इसके अलावा ये एक एग्रीकल्चर टेक्निक है, उसे रिले फार्मिंग कहते हैं, यानी कि एक साथ एक ही फील्ड में मल्टीपल क्रॉप्स का जो है कल्टीवेशन करना। इस तरह से कल्टीवेशन की जाती है कि पहले एक क्रॉप जो है वो कल्टीवेट किया जाए, वो जब मैच्योर लेवल पे पहुंच जाए तब मैं उसके बीच में दूसरा क्रॉप भी प्लांट कर दूं, राइट। तो फिर जब इसका हार्वेस्ट हो जाएगा तब ये दूसरा जो क्रॉप है उसका मैच्योर स्टेज में आ जाएगा, यानी कंटिन्यूस वो फील्ड में क्रॉपिंग या जो है वो लगी रहेगी, वो कभी भी ये लैंड पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाएगी। जैसे ये लैंड ये जो एक क्रॉप है उसका हार्वेस्टिंग हो गया, उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, राइट। तो इस तरीके की जो फार्मिंग उसे रिले फार्मिंग कहते हैं। इंडिया के उत्तराखंड एरिया में इस तरीके की रिले फार्मिंग ज्यादा होती है, वहां पे एक एग्रीकल्चर फील्ड में मोर देन 10 से 12 एग्रीकल्चर क्रॉप एक साथ उगाए जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिले फार्मिंग। इससे सॉइल जो है कभी ओपन नहीं होती और इसलिए उसका इरोशन कम होता है। क्रॉप रोटेशन मैंने बताया, अलग अलग तरीके के क्रॉप साइक्लिक मैनर में जो है वो कल्टीवेट करने चाहिए ताकि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। उसके बाद एक और टेक्निक है जो स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिले फार्मिंग में एक रो एक क्रॉप की, दूसरे क्रॉप की दूसरी रो, राइट, वन बाय वन पूरी इस तरह के रो में डिवाइड की गई। स्ट्रिप फार्मिंग में
इस तरह से होता है, एक पूरे स्ट्रिप, एक पूरा लेयर एक क्रॉप का होता है, उसके बाद एक बड़ा सा पूरा लेयर दूसरे क्रॉप का होता है, राइट। यानी इसके बाद यहाँ से भी ये होता है कि ये क्रॉप जब हार्वेस्ट कर दे उसके बाद फिर ये क्रॉप उगेगा उसको हार्वेस्ट करना है, तो कंटिन्यूसली वो एग्रीकल्चर फील्ड जो है वहां पे कल्टीवेशन स्टार्ट रहेगा। मल्चिंग हमने देखा था ऑलरेडी किस तरीके का हम ग्रासेस या वेजिटेबल वेस्ट से सॉइल को हमेशा हम कवर्ड रखेंगे उसकी सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए। तो ये सारी टेक्निक है सॉइल को कंजर्व करने की। इसके अलावा जहां पे विंड इरोजन ज्यादा एक्टिव होता है, राइट, डेजर्टिक डेजर्ट जहां पर होते हैं उनके जो मार्जिन एरिया उनके सराउंडिंग रीजन होते हैं वहां पे विंड इरोजन ज्यादा एक्टिव होता है, तो वहां पे हम कर सकते हैं ट्रांसवर्स फार्मिंग। ट्रांसवर्स फार्मिंग यानी कि ट्री एग्रीकल्चर फील्ड के अराउंड बड़े बड़े ट्रीज प्लांट किए जाते हैं, लेकिन उनकी डिरेक्शन कुछ इस तरीके की होती है जो विंड की डिरेक्शन को ब्लॉक करे, राइट। अगर यहाँ पे ईस्टर्न साइड में डेजर्ट है और वहां से विंड आ रही है तो इस तरह के उनके ब्लॉक करते हुए उनको अलग अलग डिरेक्शन में इस तरह के ट्री प्लांट किए जाते हैं ताकि वो विंड की डिरेक्शन उसकी इंटेंसिटी को ब्लॉक कर पाए, तो इस तरीके के फार्मिंग को ट्रांसवर्स फार्मिंग कहते हैं। इसके अलावा शेल्टर बेड भी लगाए जाते हैं जहां पे विंड इरोजन है, यानी कि रिटेनिंग वॉल्स, कोई भी डेजर्ट एरिया है उसके मार्जिन पे उसी बॉर्डर पे वॉल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल इरोजन कैसे होता है, उसके कॉजेस क्या है, उसके इम्प्लीकेशन, और उसको रोकने के लिए हमने सारे जो अलग अलग तरीके देखे, स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन देखे, नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस देखे। अब चलते हैं सॉइल सैलिनिटी, वो कैसे होती है और उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सॉइल की सैलिनिटी उसके रीजंस क्या है, नेचुरल रीजन अगर वो रीजन अरिड है जहां पे कम बारिश होती है, राइट। ऐसे अरिड और सेमी अरिड रीजन में इवोपरेशन ज्यादा होता है। मैंने अभी बताया जो कैपिलरी एक्शंस होती है, राइट, वो इस रीजन में ज्यादा होती है क्योंकि वो अरिड रीजन है वहां पे इवोपरेशन वैसे भी ज्यादा होता है, तो जितना भी वाटर लेवल है या जितना भी वाटर की ड्रॉपलेट्स की टॉप सॉइल में है उसका इवोपरेशन हो जाएगा, पानी का इवोपरेशन हो जाएगा, सॉल्ट उसके टॉप लेयर में रह जाएंगे, तो भी इस तरीके की सॉइल की सैलिनिटी क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा बैड ड्रेनेज यानी कि सॉइल जो है सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वाटर लॉगिंग सिचुएशन हमेशा रहती है, जैसे तराई रीजन है, बेसिन टॉपोग्राफी ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, मैंने बताया था पंजाब की जो बेसिन यानी बॉल शेप की जो टॉपोग्राफी है वहां पे वाटर लॉगिंग की ज्यादा सिचुएशन या पॉसिबिलिटी रहती है। इवन ब्लैक सॉइल जो पेनिनसुलर में रीजन में ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल के अंदर क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए अगर ब्लैक सॉइल ओवर इरीगेशन किया जाए, ज्यादा पानी का वहां पे अगर यूज हो जाए तो ब्लैक सॉइल भी वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट कर सकती है। तो वाटर लॉगिंग अगर हो जाएगा टॉप लेयर में तो फिर जब भी सॉइल ओपन हो जाएगी ट्री के बिना हो जाएगी और जब ड्राई सीजन आएगा इवोपरेशन होगा और सॉइल उसके टॉप लेयर में रह जाएंगे। देखिए हमेशा याद रखिए कि सॉइल की सैलिनिटी तभी होगी जब उसके टॉप लेयर में ज्यादा पानी का एक्युमुलेशन हो जाएगा, फिर वो रीजन हो सकती है इस तरीके की बैड ड्रेनेज की, या फिर हो सकता है फॉल्टी एग्रोकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि एक तो नेचुरल कंडीशन थी कि बेसिन टोपोग्राफी कुछ इस तरह की थी या तराई रीजन नेचुरली वो रीजन ऐसा है कि उसे वाटर लॉगिंग हो पाए, लेकिन कुछ ह्यूमन या हमारे कुछ ऐसी रीजंस की वजह से वाटर लॉगिंग होती है, जैसे ओवर इरीगेशन, राइट। जरूरत से ज्यादा अगर एग्रीकल्चर में पानी का अगर मैं यूज करूं तो भी वाटर लॉगिंग की सिचुएशन होगी, राइट। जितना पानी फील्ड में ज्यादा जाएगा, राइट, उतना परकोलेट नीचे ज्यादा होगा, उतना वाटर टेबल ऊपर आएगा, और वाटर टेबल जब इतना ऊपर आएगा तब जब ड्राई सीजन होगी उस पानी का कैपिलरी रिएक्शन से ऊपर आएगा, इवोपरेशन होगा और सॉल्ट एक्युमुलेट होगी, राइट। तो इसकी वजह से भी सॉइल की सैलिनिटी हो सकती है। उसके अलावा कैनाल एरिया के जो सराउंडिंग एग्रीकल्चर फील्ड होता है, तो कैनाल अगर वहां पे लाइनिंग नहीं की गई तो कैनाल में से भी पानी जो है वो सीपेज होगा, राइट, उसका भी लीकेज होगी सराउंडिंग जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहां पे जाएगा, और इसकी वजह से उस एरिया के जो कैनाल होती है उसकी जो सराउंडिंग एरियाज है वहां पे भी वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा, राइट, वहां पे भी वाटर का एक्युमुलेशन होगा, वाटर लॉगिंग होगी, और यहाँ पे भी वही सेम रीजन कैपिलरी एक्शन से पानी का ऊपर आना, इवोपरेशन और सॉल्ट एक्युमुलेशन। उसके बाद नेचुरल और एक रीजन है जो हमारे गल्फ ऑफ खंभात में बन रहा है, वो है कि गल्फ ऑफ खंभात में जब मैंने कल्पसर समझाया था तब बताया था कि गल्फ ऑफ खंभात में जो सी वाटर गल्फ ऑफ खंभात में एंटर करता है तो उसकी वजह से वो जो सॉल्ट वाटर है सी का वाटर वो उस सराउंडिंग जो कोस्टल एरियाज है उसके ग्राउंड वाटर को सलाइन कर रहा है, राइट, वो वहां पे इंट्रूजन कर रहा है, तो इसकी वजह से भी गुजरात में जो गल्फ ऑफ खंभात के बॉर्डरिंग एरिया है वहां पे भी ग्राउंड वाटर जो है सलाइन हो चुका है, और ग्राउंड वाटर सलाइन होगा तो ज्यादा सॉल्ट बढ़ेंगे सॉइल में,
टॉप सॉइल में भी ज्यादा सॉल्ट आएंगे, तो इसके लिए भी वो सारी सराउंडिंग सॉइल जो है वो उस सलाइन हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए हमने मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कल्पेसर योजना जो है वो की गई है, क्योंकि वो बैरेज हो पाए और ताकि सी वाटर गल्फ ऑफ खंबात के पूरे एरिया में एंटर ना कर पाए। तो ये सारे रीजंस है किस तरह की सॉइल सैलिनिटी हो सकती है। टॉप सॉइल में सॉल्ट का जमा होना, इसे कहते हैं सैलिनिटी। उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? सॉइल की सैलिनिटी होना यानी उसके टॉप लेयर में सॉल्ट्स का जमा होना, जो सोडियम कैल्शियम मैंगनीज इस तरीके के सॉल्ट जमा होते हैं, और इसकी वजह से वो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये सारे सॉल्ट क्रॉप को या उसके प्लांट की लाइफ को डैमेज करता है, राइट। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल सलाइन हो चुकी है उसके लिए बहुत ही कम लिमिटेड ऑप्शंस हो गए जो एग्रीकल्चर कर सकता है, यानी कि कुछ ऐसे क्रॉप जो सॉल्ट को रेजिस्ट कर सकता है जैसे कि कॉटन बार्ली, ये सारे क्रॉप्स ही उस सलाइन सॉइल में कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम चाहें तो व्हीट राइस इस तरीके की यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकती। फिर जितनी सॉइल सलाइन हो जाएगी वहां पे ग्रासेस या फोडर क्रॉप्स तो हो सकते हैं, राइट, क्योंकि वो बहुत ही हार्डी क्रॉप्स होते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, वो ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं रहेंगे, और इसकी वजह से इसकी इफेक्ट लाइफ स्टॉक या डेयरी डेवलपमेंट उन सारी चीजों पर भी आएगी। जब सॉइल सलाइन होती है तभी भी वाटर के ड्रॉपलेट जो रेनफॉल से आ रहा है या रिवर से जा रहा है, तो उन वाटर ड्रॉपलेट्स का परकोलेशन नीचे कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द सॉइल्ट, तो उसकी वजह से भी ग्राउंड वाटर जो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, राइट। और जब इन्फिल्ट्रेशन इतना कम हो जाएगा ऊपर टॉप सॉइल में अगर बनी रहेगी, तो वाटर लॉगिंग की सिचुएशन और ज्यादा एग्रीवेट होगी। सॉइल की सैलिनिटी को अगर मुझे कंट्रोल करना है उसके भी दो तरीके के टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल या इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, और दूसरे एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशन या नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस। स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? एक टेक्निक है जिसे कहते हैं वॉशिंग ऑफ सॉइल। इस टेक्निक में ये किया जाता है कि सपोज किसी एग्रीकल्चर फील्ड में सॉइल सैलाइन हो चुकी है, तो उस पूरे एग्रीकल्चर फील्ड में पानी से वो पूरा फील्ड भर दिया जाता है, राइट, ताकि सारे जो टॉप लेयर में जो सॉइल है वो सारे उसमें उस पानी में डिजॉल्व हो जाए, फिर उस पानी को एक साथ फ्लश कर दिया जाता है, राइट। तो फिर क्या होगा कि उस पानी के साथ सारे सॉल्ट भी वापस चले जाएंगे, लेकिन ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव नहीं है, राइट, क्योंकि एक तो पूरे वाटर लॉगिंग अगर हम करेंगे तो, राइट, जो वाटर लॉगिंग की सिचुएशन से जो सैलिनिटी हो रही है, राइट, तो वो और हमें ज्यादा उसको एग्रीवेट करेंगे, प्लस इससे जो फ्लशिंग होगा तो फ्लशिंग में भी सारे सॉल्ट जो है 100% उसे रिमूव नहीं कर सकते, और वाटर लॉगिंग की या सैलिनिटी की सिचुएशन अगर हायर वाटर टेबल से हुई यानी कि कैनाल से सीपेज हो रहा है, राइट, और उसकी वजह से अगर वाटर टेबल ऊपर आया और सॉल्ट बन रहा है, तो ये टेक्निक से वाटर टेबल का तो वही रहेगा, यानी फिर उस नेक्स्ट सीजन आएगी, तो ये टेक्निक करने के बाद नेक्स्ट सीजन में भी वो सॉल्ट जो है कैपिलरी एक्शन से ऊपर आएंगे, फिर से वो सॉइल को सलाइन कर पाएंगे, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। दूसरा सॉल्यूशन है उसे कहते हैं कि अंडरग्राउंड पाइपिंग, यानी कि सॉइल यानी पूरा एग्रीकल्चर फील्ड होता है उसके अंडरग्राउंड इस तरीके की पाइप्स जो है वो लगा दी जाती है, और जो भी एक्सेस अमाउंट में जो पानी अगर इस फील्ड में अगर होता है तो वो जो सक्शन हो जाता है वो पाइप से हम पूरा ऊपर बाहर निकाल देते हैं, तो इस तरीके का जो एक्सेसिव वाटर होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, राइट। अब ये बहुत ही एक्सपेंसिव है कि पूरे एग्रीकल्चर में आप अंडरग्राउंड पाइप्स लगाओ और फिर सक्शन करके पूरे पानी को बाहर निकालो, इससे बेटर ये है कि हम ओवर इरिगेशन ही ना करें, राइट। इससे अच्छा ये है कि जितनी एग्रीकल्चर क्रॉप को पानी की जरूरत है उसकी जितनी जरूरत है उतना ही उसको पानी दें। तीसरी चीज है लाइनिंग ऑफ कैनाल्स, क्योंकि कैनाल में से जो पानी सीपेज हो रहा है और सराउंडिंग रीजन का वाटर टेबल ऊपर आ रहा है और उससे सैलिनिटी बढ़ रही है, तो जो भी कैनाल्स बन रही है उसकी साइड्स पे लाइनिंग की जाए या सीमेंट कॉन्क्रीट की लाइन की जाए ताकि वो पानी का सीपेज या लीकेज सराउंडिंग रीजन में ना हो। इसके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं जिसे अमेंडमेंट्स कहते हैं। कोई सॉइल अगर सलाइन हो चुकी है उसके बाद अगर उसको कंजर्व करना है, उसको रिक्लेम करना है, तो सॉइल के अंदर जिप्सम या सोडियम पायरेट ये केमिकल सॉइल के अंदर मिलाए जाते हैं ताकि वो जो सॉल्ट है उसका लेवल कम हो पाए और सॉइल को कंजर्व कर पाए। नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो हमें ग्राउंड वाटर का यूसेज जो है वो जुडिशियस वे में करना चाहिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा उसका ओवर एक्सट्रैक्शन ना करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हम ओवर इरिगेशन भी नहीं करना चाहिए, राइट। इसके अलावा हमें वाटरशेड मैनेजमेंट या रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सारी टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए। एग्रोक्लाइमेटिक फार्मिंग ये एक अलग से टॉपिक है जो मैं लेटर लेक्चर में लूंगी। एग्रोक्लाइमेटिक फार्मिंग उसे कहते हैं जिसे यानी कि जिस तरीके के हमने हमारे पूरे इंडिया के क्लाइमेटिक रीजन्स बनाए थे उसी तरीके के गवर्नमेंट ने इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स भी बनाए।
यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया का जिस तरीके का क्लाइमेट है, उसकी जिस तरीके की वाटर की अवेलेबिलिटी है, उसी हिसाब से वहां पे एग्रीकल्चर किया जाए। अगर वो ड्राई रीजन है तो वहां पे ड्राई लैंड फार्मिंग और ड्राई टाइप्स की क्रॉप ही उगाई जाए, और जो वेट रीजन है वहां पे सिर्फ उसी टाइप के क्रॉप उगाए जाए। सपोज वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है जैसे कि शुगर कैन है, राइस है, राइट, तो वो इस तरीके की क्रॉप्स ड्राई रीजन में नहीं उगाने चाहिए, क्योंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स अगर मैं ड्राई रीजन में उगाऊंगी तो मुझे उसे ज्यादा पानी देना पड़ेगा, ओवर इरीगेशन हो जाएगा और उसके वजह से सॉइल की सैलिनिटी की सिचुएशन आएगी। तो इसीलिए जो एग्रोक्लाइमेटिक फार्मिंग यानी जिस एरिया में जिस तरीके का क्लाइमेट है उससे सुटेबल ही वहां पे क्रॉप्स जो है कल्टिवेट किए जाने चाहिए, तो उससे भी सॉइल की सैलिनिटी कम हो सकती है। और जो ड्राई रीजन है वहां पे ड्राई लैंड फार्मिंग की जाए, मैंने लास्ट टाइम इसकी सारी टेक्निक्स बताई थी, राइट, मल्चिंग की टेक्निक, डीप सीड और फिर प्री मॉनसून प्लाउइंग, तो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जो होती हैं वो ड्राई लैंड फार्मिंग हम यूज कर सकते हैं। मिलेट ड्राई रीजन में ज्यादा उगाने चाहिए, फोडर क्रॉप्स, इस तरह की क्रॉप्स जो वाटर लेस रेसिस्टेंस, सॉरी वाटर को उसको कम इंटेंसिव है, उसको कम यूज करते हैं, तो इस तरह के क्रॉप्स ड्राई लैंड रीजन में ज्यादा उगाने चाहिए। तो हमने देख लिया सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी लेयरिंग प्रोफाइल, उसका इरोजन कैसे होता है, कंजर्वेशन, सॉइल की सैलिनिटी कैसे होती है, उसका कंजर्वेशन कैसे होता है। अब चलते हैं डेजर्टिफिकेशन, उसका मीनिंग क्या है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। डेजर्टिफिकेशन यानी कि डेजर्ट का एक्सपैंड होना, राइट, एक्सपैंड डेजर्ट कैसे होगा कि किसी डेजर्ट की सॉइल हमेशा अगर आप देखें तो बहुत ही फ्राइबल सॉइल होती है, लूज सॉइल होती है, जहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, राइट, तो ऐसी सॉइल्स में न्यूट्रिएंट भी बहुत कम होते हैं, तो ऐसी सॉइल इसकी वजह से कभी प्लांट लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाती। लेकिन बहुत ही लूज और फ्राइबल होने की वजह से जब विंड वहां से पास होता है तो उस सॉइल को वहां से ट्रांसपोर्ट करता है और सराउंडिंग एरिया में उसको डिपॉजिट करते हैं, राइट, तो इस तरह से कि जो डेजर्ट की सॉइल विंड की वजह से अलग अलग जगह पे डिपॉजिट होती है, तो उसकी वजह से डेजर्ट का एक्सपांशन होता है, तो इसकी वजह से जो सिचुएशन होती है इसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, राइट। कई बार ये होता है कि जो डेजर्ट के बॉर्डरिंग रीजन होते हैं वहां पे सॉइल फर्टाइल होती है, क्रॉप को सपोर्ट कर पाती है, लेकिन विंड जो है इस तरीके की कम फर्टाइल या लूज फ्राइबल सॉइल को ऐसी एग्रीकल्चर से फर्टाइल लैंड पे डिपॉजिट करती जाती है, और इसकी वजह से अगर उसके लेयर कुछ इस तरह से बन गए तो वो फर्टाइल सॉइल के ऊपर डेजर्ट की सॉइल लैंड की वजह से वो एरिया भी डेजर्ट बन जाएगा, वहां पे भी कभी एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, राइट, तो ऐसी सिचुएशन को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। इंडिया में ये राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में जब मैंने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में बताया था कि राजस्थान का जो राजस्थान बागर एरिया है वो फर्टाइल लैंड है, राइट, सिर्फ वहां पे रेनफॉल की कमी है, वाटर डेफिशिएंट है, तो वहां पे अगर पानी दी जाए तो वो अच्छे से वहां पे कल्टीवेशन हो सकता है, लेकिन उसके ईस्टर्न साइड पर है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के होने की वजह से वहां पे विंड इरोजन यानी कि विंड की वजह से उस डेजर्ट की सॉइल जो है राजस्थान बागर या उसके बॉर्डरिंग एरिया जो थार डेजर्ट के कनेक्टेड है वहां पे डिपॉजिट हो रही है, और इस तरीके का थार डेजर्ट जो है वो एक्सपांड हो रहा है और राजस्थान बागर की जो सॉइल फर्टाइल है उसमें डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम फेस हो रही है। डेसिटिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसे कभी रोक नहीं सकते, राइट, उसको कभी भी कंप्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते, यानी अगर कोई रीजन डेजर्ट हो चुका है तो उसको कंप्लीटली मैं फिर फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट नहीं कर सकती, सिर्फ ये चीज हो सकती है उसको मैं प्रिवेंट कर सकूं, यानी कि इस डेजर्ट की सॉइल को और सराउंडिंग रीजन में जाने से मैं रोक सकूं, तो यही सिर्फ चीज इसमें हो सकती है। उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज की जाती है, एक तो रिटेनिंग वॉल्स यानी डेजर्ट जो उसके बॉर्डर एरिया में वॉल्स क्रिएट की जाए ताकि सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्ट होके जो फर्टाइल लैंड है वहां पर डिपॉजिट ना हो पाए। उसके अलावा बॉर्डरिंग एरिया में अगर मैं वॉल्स नहीं तो मैं ट्रीज प्लांटेशन कर दूं ताकि उससे भी जो विंड की एक्शन है वो कम हो जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगा विंड और सॉइल जो है डेजर्ट की सॉइल ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। ट्रांसवर्स फार्मिंग जैसे मैंने बताया कि विंड की जैसी डिरेक्शन होती है उससे ब्लॉक करती हुई हमें ट्री की प्लांटेशन करते हैं। उसके अलावा इस तरह की जहाँ पे दिखाई गई ग्रास की प्लांटेशन होती है, यानी कि जो सैंड होती है, सैंड ड्यून्स होती है डेजर्ट की, वहां पे इस तरीके के ग्रासेस बोए जाते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि जो सॉइल होती है वो वहीं पे रह जाती है, विंड अगर आता है तो भी जो डेजर्ट की सॉइल है वो ऊपर नहीं जा पाती, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, अगर सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो डिपोजिशन भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से इस तरीके की सैंड ड्यून्स या सैंडी लैंड पे ग्रासेस का प्लांटेशन होता है, उसे ड्यून्स या सैंड ड्यून्स स्टेबिलाईजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो मैं डेजर्टिफिकेशन देख लिया और डेजर्टिफिकेशन को कैसे रोक सकते हैं,
उसके बाद अब हम चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी, कोर इंडियन ज्योग्राफी में, कि सॉइल्स ऑफ इंडिया, इंडिया में किस किस तरह की सॉइल्स पाई जाती है।